अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम पिज़्ज़ा ब्रेड बनाने जा रहे हैं और वो हम बनाएंगे कीमे से। कीमा जो है हमारे पास है 3 पाव और उसके साथ हमने 3 टमाटर जो है वो पेस्ट बना के रखा हुआ है, 2 प्याज है हमारे पास हमने काट के रखे हुए हैं और थोड़ी सी शिमला मिर्च और टमाटर है हमने इस तरह से स्लाइस में काट के रखा हुआ है। और उसके साथ हमारे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट 1-1 टेबल स्पून और साथ हैं 2-3 हरी मिर्च हमारे पास। और उसके लिए हमें चाहिए डो, और डो का तरीका चूँकि मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है और आगे जो है वो मैंने पिज़्ज़ा आपके साथ जो है वो बनाया था और उसमें जिस तरीके से डो बनाई थी वही तरीका है डो का जिस तरीके से हमने पहले बनाई, उसमें मैं आपको रेसिपी को दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि डो में जो हमने चीज़ें डाली थी बनाने के लिए उसमें 2 कप का अगर आप डो बना रहे हैं तो उसमें आपको 2 कप मैदा में आपने 4 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालना है, 1 टीस्पून आपने यीस्ट डालना है और 1/2 टीस्पून जो है वो नमक डालना है। और अगर आपको हसबे जायका भी कर सकते हैं नमक का, बेशक 1 टीस्पून डाल लें और उसके साथ आपने ऑयल के 2 टेबलस्पून डालने और अंडा आप शामिल करना चाहें डो में तो भी मज़े की बनती है, नहीं करें तो तब भी अच्छे से बन जाती है डो। और उसके साथ उसके अलावा जो हमें चीज़ चाहिए उस चीनी पाउडर आपने 2 टेबलस्पून डालना है और नीम गरम 1.5 कप आपने रखना है और मीठा सोडा आपने 2 चुटकी डालना है और उसमें नीम गरम पानी में आपने उसको मैदे को अच्छे से जो है वो करना है भूनना है और जब अच्छे से गूंद जाए तो उसको आपने घंटा के लिए रखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वो इस तरीके से आपके पास आ जाएगी डो। और उस डो का तरीका प्रॉपर तरीके से मैंने जो है वो आपको पहले भी बताया हुआ है, उसके अंदर पिज़्ज़ा मैंने बनाया था तो उसमें मैंने आपको प्रॉपर पूरे तरीके से जो है वो डो बनाना सिखाई हुई है। तो उसके बाद मैंने अभी आपको सारे इंग्रेडिएंट भी आराम से बता दिए कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपने डालनी है, तो बहुत अच्छे से जो है वो पिज़्ज़ा राइस हो के 1 घंटे के अंदर तो डो तैयार हो जाती है। इस तरीके से मैंने डो को तैयार कर लिया हुआ है और अब जो है वो हम अपना पहले डो चुके तैयार है तो अभी हम अपना कीमा पहले बनाएंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो बाकी चीज़ें तैयार करते हैं पिज़्ज़ा ब्रेड के लिए। 2 टेबलस्पून जो है वो हम ऑयल डाल रहे हैं और 3 पाव जो कीमा है हमारे पास वो हम इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ जो है वो हम अपना प्याज डाल रहे हैं, जो 2 प्याज हमने चॉप करके रखी थी। और उसके साथ हम अपना 1-2 टेबलस्पून जो है वो पेस्ट लहसुन अदरक का डाल रहे हैं और 7 टमाटर का पेस्ट और हमने थोड़ी सी हल्की रखी है कि हमने अभी अपने मसाले इसमें डालने, 1 टेबलस्पून हम नमक डाल रहे हैं इसमें और उसके साथ लाल मिर्च पाउडर है वो भी 1 टेबलस्पून हम डालेंगे और साथ धनिया पाउडर है वो भी 1 टेबलस्पून। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो है इसको दम पे लगाएंगे कीमे को थोड़ी देर के लिए। देख सकते हैं हमारा
कीमा जो है वो गल चुका है, अभी थोड़ा सा इसमें पानी है तो हम इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। साथ हम अपना जो है थोड़ा सा 2 चम्मच जो है वो सिरका डालेंगे इसमें, और उसके साथ हम काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, और साथ हम अपना डाल रहे हैं कुछ धनिया पाउडर, और अब हम इसको अच्छे से फेर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से फेरेंगे और उसके बाद हम इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे, और फिर हम पिज़्ज़ा ब्रेड पे जो है वो इसको लगा के फिर हम पिज़्ज़ा अपना बेक करेंगे। ये हम रखते हैं अपने पिज़्ज़े के लिए, और ये पिज़्ज़ा डो के लिए वो बनाते हैं उसे, और ये हम साइड पे कर लेते हैं। इससे हम पहले पेड़े को अच्छे से बनाते हैं इसे। ये देखिए कितना मज़े का पेड़ा बन गया बना। अब हम इसको बेलेंगे। सॉस सब बना के हम लगा रहे हैं अपने पिज़्ज़ा डो में, और इसके ऊपर जो है वो हम अपना देखिए हमारा कितना मज़े का कीमा तैयार हुआ है, और बीच में हम इसको फिल करेंगे। सेंटर में करेंगे, ये हमने ऊपर चीज़ रख ली है कीमे के ऊपर, और उसके साथ जो है अब हम अपने कट्स लगा रहे हैं। इस तरीके से हम कट्स लगाएंगे और फिर इसको ऊपर से बंद कर देंगे। इस तरीके से हम अपना पूरा जो है वो इस तरीके से हम इसको कवर कर लेंगे। और फिर इसमें रख के मैंने ओवन को जो है वो कम से कम 10 मिनट पहले प्री हीट 180 डिग्री पे जो है वो लगाया हुआ है, और उसके अंदर अभी मैं अपने पिज़्ज़ा ब्रेड को रखती हूँ अच्छे से ऑयलिंग करके, तो फिर मैं पिज़्ज़ा ब्रेड को इसके ऊपर रखूँ। और मैं अपना दूसरा इसी तरह से दूसरा पिज़्ज़ा ब्रेड भी बना के इकट्ठे ही दोनों को रखूँगी। अब हम अंडे के साथ अच्छे से जो है वो बाइट से कोट कर लेंगे अंडे का ब्रश के साथ पूरे अपने पिज़्ज़ा ब्रेड को, और उसके बाद फिर 20 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो जाता है। हमें अपनी दवाओं में याद रखिए, और इंशाल्लाह अभी हम एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, और आप देखिएगा कि हमारा पिज़्ज़ा कितना मज़े का तैयार होता है। ये देखें 20 मिनट के बाद हमारा पिज़्ज़ा ब्रेड तैयार हो गया था। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।